Hello. In this video, we are going to see the introduction of wireless sensor networks. So basically, अगर हम पहले बात करें कि sensor क्या होता है, तो sensor एक ऐसी device होती है जो physical quantity को measure करती है और उसे convert करती है एक ऐसे format में कि उसको कोई observer या कोई instrument understand कर सके. तो अगर हम सिर्फ sensor की बात करते हैं, तो अगर suppose यहाँ पे कोई physical quantity है और उसको हम एक सेंसर के थ्रू पास कर रहे हैं, तो वो उसको कन्वर्ट कर देगी एक ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी के अंदर. ठीक है, तो सेंसर ये होते हैं. अब वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स क्या होते हैं? वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स आर हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइट वेट नोड्स डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर टू मॉनिटर द एनवायरमेंट और सिस्टम. सो बेसिकली होता था क्या है कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क में ये जो सेंसर्स हैं इनका एक कॉम्बिनेशन होता है, एक नेटवर्क होता है जो कि एडॉक बेसिस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ ऑन एडॉक बेसिस या एडॉक मैनर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. अब इनका काम क्या है? इनका काम है टू मॉनिटर द एनवायरमेंट और सिस्टम. वो हम एप्लीकेशंस में भी देखेंगे कि कैसे ये एनवायरमेंट और मॉनिटर को एनवायरमेंट और सिस्टम को ही मॉनिटर कर रहे हैं उसकी हम एप्लीकेशंस के अंदर देखेंगे. ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइटवेट नोड्स डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर टू मॉनिटर द एनवायरमेंट और सिस्टम. अब जो सेंसर नोड्स होती हैं वो एक ऑनबोर्ड प्रोसेसर के ऊपर ही फिटेड होती हैं, उसी के अंदर पूरा आपका प्रोसेसर होता है. सो द सेंसर नोड कंसिस्ट ऑफ दीज थ्री थिंग्स, सेंसर सब सिस्टम बेसिकली जो सेंस करेगा, प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेसिंग पावर तो चाहिए ही, सो प्रोसेसिंग सिस्टम एंड कम्युनिकेशन सिस्टम. कम्युनिकेशन सिस्टम किस लिए? कि जो डेटा सेंस कर रहा है उसको वापस भेज सके किसी ऑब्जर्वर या किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी लोकेशन के ऊपर. तो ये तीन चीज़ें चाहिए होती हैं. सो अगर हम एक डायग्राम देखें सेंसर नेटवर्क का, तो हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं. Like that we have a sensors here. बहुत सारे sensors हैं हमारे पास suppose यहाँ पे. अब हर sensor के पास क्या होता है, एक base system होता है. Base system क्या है? जो communicate करेगा. So there is a base station. And they are eventually connected with internet. ठीक है, सो ऐसे ही और भी बेस स्टेशन हो सकते हैं. सपोज एक बेस स्टेशन यहाँ पे है, सो देर इज़ वन बेस स्टेशन एंड देर कैन बी अनदर बेस स्टेशन. ठीक है, एंड यहाँ पे भी आपके सेंसर नोड्स डिप्लॉयड हैं लार्ज नंबर के अंदर. तो ये क्या है? बेसिकली दीज आर दी सेंसर्स. ठीक है, अब इंटरनेट के ऊपर गए, यहाँ से आपका डेटा बहुत सारे कामों के लिए यूज़ हो सकता है, लाइक प्रोसेसिंग, डेटा की प्रोसेसिंग करना, डेटा की माइनिंग करना, डेटा को स्टोर करना या डेटा को एनालाइज करना. ठीक है, सो इस तरह से काम करता है. अब देखो होता क्या है कि सपोज इस वाले नोड ने सेंस किया डेटा, तो वो क्या करेगा, वो यहाँ से बेस स्टेशन को भेजेगा, बेस स्टेशन से इंटरनेट, और सपोज उसको माइनिंग के लिए जाना था तो माइनिंग के लिए चला जाएगा. ऐसे अगर उसको प्रोसेसिंग के लिए जाना था प्रोसेसिंग के लिए चला जाएगा. सिमिलरली स्टोरेज एंड एनालिसिस. तो इस तरह से सेंसर नेटवर्क्स काम करते हैं. सो नाउ वी विल सी डिफरेंट एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स. इनका जो मेन यूज है वो है मिलिट्री के अंदर, बैटलफील्ड के अंदर सर्वेलेंस करने के लिए. जो हम इसका एक कॉमन यूज हम देखते हैं कि कहां पे यूज हो सकता है इसका, सो इसका यूज है बैटलफील्ड में, जहां पे सर्वेलेंस की जरूरत होती है कि जो एनिमी की मूवमेंट है वो हो रही है नहीं हो रही है, या कोई भी इंट्रूडर अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है नहीं कोशिश कर रहा. सो सर्वेलेंस एंड मॉनिटरिंग, तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का. देन एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए, लाइक कि एयर प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है, जितने भी एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं
उन सबको मॉनिटर करने के लिए हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का यूज़ करते हैं। नॉइस लेवल को मॉनिटर करने के लिए वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का यूज़ किया जाता है। जगह जगह डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर सेंसर्स डिप्लॉयड होते हैं जो नॉइस को मॉनिटर करते रहते हैं और उसको फर्दर वो भेजते हैं आगे ताकि हम उससे कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकें। देन इसका यूज़ मेडिकल फील्ड में भी होता है। पेशेंट के साथ सेंसर को डिप्लॉय किया जाता है तो पेशेंट के डायग्नोसिस और उनकी मॉनिटरिंग में यूज़ किया जाता है इसको। सो पेशेंट डायग्नोसिस एंड मॉनिटरिंग, देन एग्रीकल्चर के अंदर यूज किया जाता है, एंड फाइनली द लेटेस्ट इज IoT, इंटरनेट ओवर थिंग्स के ऊपर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर इसको भी यूज़ किया जाता है। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क, पूछा जाता टॉपिक। सो नाउ द चैलेंजेस, अब चैलेंजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहला जो चैलेंज है दैट इज स्केलेबिलिटी, कि कैसे एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क को आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक लार्ज एरिया के ऊपर स्केल करोगे। क्योंकि क्या होता है कि जैसे जैसे आप नेटवर्क को बढ़ाते हो, आप नेटवर्क के एरिया को बढ़ाते हो, वैसे वैसे जो थ्रूपुट है नेटवर्क का वो गिरता चला जाता है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज। देन क्वालिटी ऑफ सर्विस, या इसको हम बोलते हैं QoS, एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए। अगेन रिसोर्सेज बहुत कम है वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स के अंदर, सेंसर नोड्स के ऊपर कॉन्स्ट्रेंट है रिसोर्सेज का। एंड द सिक्योरिटी, क्योंकि ये हार्श एनवायरनमेंट में एनिमी टेरिटरी के अंदर हम इसको डिप्लॉय करते हैं तो इनकी सिक्योरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, इन विच वी हैव सीन व्हाट आर द सेंसर नेटवर्क्स, क्या क्या उसकी एप्लीकेशंस हैं, कैसे वो एक तरह से काम करता है और उनके चैलेंजेस। सो दिस इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।